हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिस कॉर्नर। और आज का वीडियो है हेयर केयर के बारे में। थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक, तो चलिए हम हेयर के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमारे हेयर फ्रीजी लग रहे हैं, शाइन नहीं है हेयर में, अनहेल्दी लग रहे हैं और प्लिटेंट्स हैं हमारे हेयर में और ब्रेकेज है काफ़ी, हेयर की कंडीशन है काफ़ी ख़राब है, तो कहीं ना कहीं हमारे लुक को डाउन कर देते हैं। और अदर हैंड अगर हमारे हेयर काफ़ी शाइनी लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं एंड मॉइस्चराइज नरिश लग रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लुक को एनहांस करते हैं। आर यू अग्री विथ मी और नॉट? यस, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हेयर हमारे लुक को एनहांस करते हैं या डाउन करते हैं किस तरह, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये है लोरेल पेरिस ड्रीम लेंथ रेंज। इस रेंज में आते हैं लोरेल पेरिस ड्रीम लेंथ शैम्पू एंड कंडीशनर एंड थर्ड वन इज नो हेयर कट क्रीम। तो मैंने ये पूरी रेंज जो है ट्राई की है, यूज़ की है मैंने, और इसे 1 मंथ तक मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छे से यूज़ किया, उसके बाद ही मैं ये रिव्यू कर रही हूँ। तो चलिए उस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये है लोरेल पेरिस ड्रीम लेंथ शैम्पू और इसकी क्वान्टिटी है 192 ml एंड प्राइस है 149 rupees। और इस पर लिखा है ये रेस्टोरिंग शैम्पू है और इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं। फर्स्ट वन इज वेजिटल केराटीन, सेकंड इज कैस्टर ऑयल एंड थर्ड वन इज विटामिन। फर्स्ट जो है वेजिटल केराटीन, वो हमारे हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। केराटीन, वेजिटल केराटीन जो है इंक्रीज करता है हमारे हेयर लेंथ एंड प्रिवेंट करता है ब्रेकेज से, हेयर को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। और सेकेंड वन जो है कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल के बारे में तो सभी को पता है, कैस्टर ऑयल जो है हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करता है और हेयर फॉलिकल हेल्थ को बूस्ट करता है और डिक्रीजिंग द चांस ऑफ ब्रेक। थर्ड वन इज़ विटामिन PPB3, हेल्प करता है हेयर ग्रोथ में। शैम्पू का जो टेक्सचर है कुछ इस तरह का है और मैं इसे डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ, मीन्स वाटर के साथ मिक्स करके देन इसे यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है लोरेल पेरिस ड्रीम लेंथ डीटैंगलिंग कंडीशनर और इसकी क्वांटिटी है 192 ml एंड प्राइस है 209 rupees। और इस पर लिखा है इंस्टेंटली डीटैंगल विथ लेस ब्रेकेज, और ये हमारे हेयर को जो है इंस्टेंटली डीटैंगल करता है और हमारे जो हेयर है ब्रेक नहीं होते, टूटते नहीं है। इसका जो टेक्सचर है काफ़ी थिक है इस तरह का। और नेक्स्ट है लोरेल पेरिस ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम, और ये लिव इन कंडीशनर की तरह है। तो इसकी क्वांटिटी है 200 ml एंड इसका प्राइस जो है 499 rupees, ऑलमोस्ट 500 rupees है। और इसमें पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है, और इसका जो टेक्सचर है लाइट वेट है, थोड़ा रनी है, थिक नहीं है। तो मैंने अभी शैम्पू एंड कंडीशनर कर लिया है हम हेयर को, देन अब आपके हेयर के अकॉर्डिंग आप इस स्क्वीज़ कर लीजिए अपने पाम पर एंड देन थोड़ा सा रब कर लीजिए कि ताकि हमें लगाने में आसानी हो, एंड देन अप्लाई योर हेयर। हमारे जो हेयर के एंड्स है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करना है ताकि स्प्लिट एंड्स ना हो। देन देखिए मैं भी इसे कॉम करके, मतलब वैसे तो हमारे वेट जो हेयर होते, गीले हेयर होते, उसमें कॉम नहीं करना चाहिए, बट काफ़ी उलझी हुए हैं तो देखिए मैं इसे कॉम कर पड़ती हूँ, भी आसानी से कॉम हो रहे हैं, उसमें उलझन नहीं है। नो हेयर कट क्रीम जो है आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ आप इसे वेट हेयर में आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ आपको हीटिंग टूल यूज़ करना है, तब भी उसके पहले हीटिंग टूल यूज़ करने से पहले आप इसे हेयर पे अप्लाई कर लीजिए एंड देन हीटिंग टूल यूज़ कीजिए, एज अ हीट प्रोटेक्शन का भी ये काम करेगा। एंड थर्ड वन इज़ हमारे हेयर जो है कभी कभी ड्राई होने पर
फ्रिजी हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, कॉम नहीं हो पाते, तब भी आप इसे अप्लाई कर लीजिए एंड देन काफ़ी अच्छे से जो है कॉम हो जाएंगे एंड फ्रिज फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये ड्रीम ब्लेंड नो हेयरकट क्रीम। तो इसका मतलब यही है कि हमारे जो प्लीटेंट्स हो जाते हैं देन ब्रेक हो जाते हैं हमारे हेयर बीच में से और काफ़ी गंदे झाड़ू जैसे लगने लगते हैं, तो हमें फिर एंड्स जो है हमारे लास्ट के जो 3 सेंटीमीटर होते हैं उसे हमें कट करना पड़ता है स्प्लिट एंड्स की वजह से, स्प्लिट एंड्स होने की वजह से। तो हम ये क्रीम को एंड ये पूरी रेंज को हम यूज़ करते हैं तो इस तरह के स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, हमारे हेयर ब्रेक नहीं होंगे, ब्रेकेज नहीं होगा हमारे हेयर में एंड काफ़ी शाइनी नरिश एंड हेल्दी। प्रोडक्ट का क्लेम है कि हम अगर ये प्रोडक्ट्स हम ये रेंज यूज़ करते हैं तो हमारे हेयर जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड लॉन्ग हो जाएंगे एंड नरिश हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट ऐसे क्लेम करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा? फर्स्ट वन जो है लोरल पैरिस ड्रीम लेंथ शैम्पू मुझे सूट नहीं हुआ, 1 मंथ हो गया है यूज़ करते करते, तो मुझे काफ़ी हेयर फॉल हुआ है तो मैं इसे रीपर्चेज तो नहीं करूँगी। नेक्स्ट जो है लोरल पैरिस ड्रीम लेंथ कंडीशनर, काफ़ी अच्छा है कंडीशनर तो मैं इसे रीपर्चेज ज़रूर करूँगी कंडीशनर। एंड थर्ड वन इज़ द अमेजिंग क्रीम लोरल पैरिस ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम, एक लिव इन कंडीशनर की तरह ही है, काफ़ी अमेजिंग क्रीम है और मेरे जो एंड्स थे स्प्लिट एंड्स हुए थे काफ़ी बेहतर हो गए हैं, तो अब मुझे हेयर कट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छी है ये नो हेयर कट क्रीम और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, मैं तो करने वाली हूँ रीपर्चेस, आपको भी इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो आज का वीडियो यही तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।